हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म क्रिएट करना। पिछली वीडियो में हमें इतना सा फॉर्म क्रिएट किया था, ओके। इस वीडियो में हम ये वाला फॉर्म क्रिएट करेंगे, ओके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप जाके पहले वो देख लेना, ओके। तो यहाँ पर हम फॉर्म की कोडिंग आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट योर जेंडर हेडिंग एड करता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए मैं H3 टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने हेड टैग एंटर कर दिया है। इसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेल के लिए मैं लेबल टैग यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं इनपुट डॉट रेडियो बटन ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं फॉर्म में मेल एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेल एंटर करूँगा, आईडी में मेल एंटर करूँगा और यहाँ नेम में मेल एंटर करूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा मेल क्रिएट हो चुका है। अब हम सेम फीमेल के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं BI टैग एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको कॉपी करता हूँ Ctrl-C से और यहाँ पे Ctrl-V से पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जहाँ मेल है वहाँ फीमेल एंटर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने फीमेल एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे फीमेल के लिए भी रेडियो बटन क्लियर हो चुका है। उसके बाद मैं सेम अदर के लिए क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं फीमेल की जगह पर अदर एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अदर भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम एक सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम नेम में तीनों सेम रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट ईएस ग्रुप ये हम क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ईएस ग्रुप एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट एज ग्रुप एंटर करता हूँ, ओके। और यहाँ पे हम इसके लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है और सेक्शन के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेम में मैं एज ग्रुप एंटर करता हूँ और आईडी में भी एज ग्रुप एंटर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेक्शन टैग में मैं ऑप्शन टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे टोटल चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं चार ऑप्शन टैग क्रिएट करूँगा।
फर्स्ट ऑप्शन में हम 0 to 15, सेकंड ऑप्शन में हम 15 to 25, थर्ड ऑप्शन में 26 to 50 और फोर्थ ऑप्शन में 50+। ओके, यहाँ पे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा ये ऑप्शन वाला भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर योर स्टैंडर्ड के लिए हम लेबल और इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेबल टैग एंटर करता हूँ और इनपुट टैग एंटर करता हूँ और टाइप में मैं टैग्स रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म में मैं एसटीडी एंटर करता हूँ, नेम में एसटीडी और आईडी में एसटीडी एंटर करता हूँ और यहाँ पे एंटर योर स्टैंडर्ड एंटर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे बी आई टैग एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर एंटर करता हूँ और एस टी डी एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एंटर योर स्टैंडर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट क्यों एंटर किया, नंबर क्यों एंटर नहीं किया। तो मैंने टेक्स्ट इसलिए एंटर किया कि यहाँ पे हम नंबर एंटर करते तो हम 1 से लेकर 12 तक ही एंटर कर सकते, बट यहाँ पे कॉलेज के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने टेक्स्ट एंटर किया। तो यहाँ पे हम नंबर भी एंटर कर सकते और यहाँ पे हम कॉलेज भी एंटर कर सकते। ओके ओके, तो यहाँ पे हम डेटा एंटर करेंगे, सेतु, पासवर्ड में 1 2 3 4, ईमेल में setu@gmail.com। यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 15 to 25, यहाँ पे कॉलेज same2 सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे साइन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल डेटा एंटर हो रहा है और यहाँ पे मैं सेतु एंटर करता हूँ, फिर से मैं डेटा एंटर करता हूँ, यहाँ पे 15 to 25 सिलेक्ट करता हूँ और साइनिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए रिक्वायर्ड टैग का यूज़ किया था। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।